इंज करूं तारीफ तेरे की। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम प्लानिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम प्लानिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा और फ्रेंड्स काफी टाइम से आप देखे होंगे यूट्यूब पे या शॉर्ट्स वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक के टाइम में भी इस टाइप की वीडियो आपको काफी सारी देखने को मिलती थी, जो कि डीएसएलआर की एडिटिंग, डीएसएलआर से जब वीडियो शूट करते तो बैकग्राउंड जो होता है एकदम ब्लर आता है, तो उस तरह की वीडियो एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, आप नॉर्मल कैमरा से नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करके भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते इस तरह की वीडियो बनाना तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, इसी वीडियो एडिटिंग के लिए आपको यूज करना होगा कैपकट एप्लीकेशन का। और फ्रेंड्स, पुराने कैपकट एप्लीकेशन में ये वाला फीचर नहीं हो तो न्यू वाला कैपकट एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे दिया, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद इसे यूज करना है। यूज करने के लिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा बहुत कहीं पे वीपीएन का यूज करना होगा, तो आप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीपीएन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसे जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एडिटिंग कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलेंगे फोन के स्क्रीन को एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। सो गाइस, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते फोन के स्क्रीन पे एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो फ्रेंड्स यहाँ कैपकट एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, बट इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रूवो वीपीएन यूज़ कर लेना है। तो अभी हम ट्रूवो वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगा और हमें उसे कैसे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। सो गाइस, कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, ये न्यू वाला कैपकट एप्लीकेशन है, तो अगर आपके पास न्यू वाला नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन आता है इस पर सिंपली टैप कर लेना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी वीडियो इस एडिटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं उसे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाली वीडियो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसे लेने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये एक ठो सॉन्ग है जो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर करके। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हमें इफेक्ट का यूज़ करना होगा, तो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने जैसा बोला था कि वीपीएन का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं नो इंटरनेट कनेक्शन कॉन्टैक्ट लिख रहा है, तो डाटा ऑन है मेरा, ऊपर देख सकते हैं आप डाटा ऑन है बट नो कनेक्शन लिख रहा है, तो इसके लिए हमें वीपीएन यूज़ करना होगा। तो चलिए हम चलते एक बार स्क्रीन पर, और यहाँ पर ट्रूवो वीपीएन मैंने रखा है के लिए, तो मैं इसे ओपन करता हूं। यहां पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहां एड्स जो आता है उसे हम कट कर देंगे और नीचे जो ये गाजर का कैरेट का जो ऑप्शन आ रहा था इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं कनेक्टिंग क्लिक करा रहा है और ये थोड़ा टाइम लेगा, बस कनेक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं इसे कनेक्ट होने तक। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है उस तरह से ये स्टार्ट हो चुका है। ऊपर में आप देख सकते हैं कनेक्टिंग लिख करा चुका है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए हम चलेंगे भी कैपकट एप्लीकेशन का। फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे जो एड इफेक्ट का ऑप्शन है उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोडिंग लेने लगेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मेरा डाटा ऑन है तो यहाँ पे इफेक्ट जो है सो आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ऊपर में लिख कर आ गया जो भी इसमें फीचर्स है, सभी के सभी फीचर्स यहाँ पे लिख के आ गए। तो यहाँ पे मूड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इस तरह से यहाँ पे ब्लर वाला इफेक्ट आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ऐसे भी आप जाएंगे नीचे तो मिल जाएगा, वैसे मूड वाले पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे ये आ जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद है। तो फ्रेंड्स मूड वाले में अभी आ नहीं रहा है, नेटवर्क शायद वीक है, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग में हम क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसी में आपको नीचे ब्लर वाला इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, या थोड़ा और हम नीचे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लर है, सिनेमेटिक है, ब्लरी फोकस है, तो इस तरह से इसमें से ब्लर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ऊपर मैंने ब्लर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक इफेक्ट यहाँ पे देखने को आपको मिला हो तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसे पूरे वीडियो पे कर लेना है। यहाँ लास्ट तक जितना टाइम का आपका वीडियो होगा उतना टाइम कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक लोगो आता है, तो फ्रेंड्स लोगो को यहाँ से कर दीजिएगा डिलीट,
और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वीडियो तो मैंने ब्लर कर दिया, इसके बाद अब कोई भी वीडियो आप यहाँ पे ऊपर से ये फोकस मतलब ये तो पूरा वीडियो ब्लर हो गया, बट यहाँ पे मेरा जो मॉडल है वो तो ब्लर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, तो ओवरले का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले पर क्लिक कीजिएगा, फिर से उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो इसे सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो पे फिर से क्लिक कीजिएगा, दोनों उंगली से दोनों फिंगर से इस तरह से स्क्रॉल करके इसे पूरे स्क्रीन पे जूम कर लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कर दिया। इसके बाद इस साइड में आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एक ही बार में ब्लर हो गया, इसका कारण था कि इसे जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ये ब्लर हो जाता है, उसके बाद आप जब भी उस वीडियो को यूज़ करेंगे कभी भी यूज़ करेंगे तब वो उतना टाइम नहीं लेता, ठीक है। एक बार इसमें टाइम लेता, मैं उसे फिर से आपको एक बार करके दिखा दूँगा कि टाइम मिलेगा कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो का बैकग्राउंड एकदम से ब्लर हो चुका है इसमें, अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, एकदम से ब्लर हो चुका है इसमें। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और काफ़ी फास्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वीडियो हमारी जो एक्सपोर्ट होकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी बैक आ जाता हूँ, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या चलिए मैं इसे एक्सपोर्ट कर ही लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये एक्सपोर्ट हो चुका है, यहाँ से डन कर देंगे और ये तैयार हो गया हमारा वीडियो जो है। तो चलिए मैं एक बार और फिर न्यू प्रोजेक्ट लेकर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट लिया, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे अपने वीडियो, तो उसी में से एक तो वीडियो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ऐड करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ मैं कुछ इस तरह से इसे कट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि ज़्यादा बड़ा है तो पूरा लेने पर टाइम लगेगा इसे एडिट होने में, और इस साइड से थोड़ा सा और कट कर देता हूँ, तो यहाँ से देख सकते ये कट हो गया और यहाँ पे इसका जो लोगो आ रहा है इसे भी मैं हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये लोगो हट गया, इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट किया, यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, टाइमिंग पूरा कंप्लीट होगा और इसके बाद ये बैकग्राउंड जो हमारा है वो ऑटोमेटिक यहाँ से पूरी तरह से कट कर हट जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करके आप देख लीजिए यहाँ पर बैकग्राउंड कैसे हट जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया, बैकग्राउंड जो हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड जो था पूरी तरह से रिमूव हो गया था, मैंने किसी क्रोमा की का यूज़ नहीं किया, बट ऐसे ही आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अब इसके बैकग्राउंड में हम कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहते तो उसे लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ से मैं बैक आ, तो बैक आने के बाद इस साइड में स्क्रॉल करेंगे तो कैनवास का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर सिंपली टैप करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आया, बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड पर क्लिक करते देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लोड लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड ये हो चुका है, अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है इस पर सिंपली टैप करेंगे तो अब अपने फोन में जो भी बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो उसे आप फोन से ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, DSLR का जो बैकग्राउंड पिक्चर होता है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से। चलिए मैं एक तो यहाँ पे DSLR का कोई सा भी इमेज बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। सर्च करने पे नेटवर्क मेरा शायद वीक लग रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ चुके हैं, तो इसमें से एक तो कोई सा भी आप इमेज ले लीजिए जो भी आप बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। तो चलिए मैं ये वाली को यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, ऊपर वाला जब लोड ले लेगा तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया डाउनलोड हो गया और फिर से मैं कैपकट एप्लीकेशन में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कैपकट एप्लीकेशन में आने को क्योंकि अभी मैंने डाउनलोड किया तो हमें मिल जाएगा पिक्चर में, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पर मिलता, शायद अभी मैंने डाउनलोड किया इसकी वजह से नहीं आ रहा। तो चलिए एक बार मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे ये वाली इमेज वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हो वाली वीडियो इमेज जो थी आ चुकी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसे आप एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पे जैसे रखना चाहते हैं, तो इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे ये पूरे वीडियो पर हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक ये लास्ट तक हो चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये कम्प्लीटली लास्ट तक हो चुका है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, मतलब जो वीडियो है तो उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो कलर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो भी कलर आप लीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं कोई भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऑटोमेटिक आपका वीडियो ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं चलाकर मैं दिखा रहा हूँ, ये वीडियो चल रहा है और यहाँ पर आप जो भी कलर चेंज करेंगे वो कलर यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। अब देख सकते हो कोई भी एक कलर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर आप ब्लर करना चाहते हो तो सिंपली ब्लर पे क्लिक कीजिएगा और इसका बैकग्राउंड को ब्लर कर दीजिए, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ब्लर हो जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड ब्लर करके यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं एक तो ब्लर वाला बैकग्राउंड जो था उसे ही ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है इसे।
अब इसे ये देख सकते हो वीडियो तो तैयार है, तो इसे एक्सपोर्ट करना है इजिली, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा और ये वीडियो हमारे फोन में इजिली सेव हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंप्लीटली ये सेव हो चुका है। आप कोई भी वीडियो को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंप्लीटली, पूरी तरह से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकता है, बैकग्राउंड को इरेज कर सकता है, अब जिस तरह से यूज करना चाहते हैं इजिली कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो गाइस ये ट्यूटोरियल अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।